जिससे मिलती है स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता की गारंटी, जो बताता है हमारे हक और हमारी जिम्मेदारियां, जिसने पूरे विश्व में भारत को दी एक अलग पहचान, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारत का संविधान। जानेंगे संविधान विशेषज्ञों से सरल और सीधे शब्दों में, संविधान की पाठशाला में, सिर्फ यूसीएन बुद्ध पर। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। संविधान की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम प्राची सालवे है, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। हमारे संस्था संगठन के माध्यम से हम लोग दलित आदिवासी समुदाय के आर्थिक और सामाजिक प्रश्न पर काम करते हैं और सोशल पॉलिसी, सामाजिक नीति विश्लेषण करना, उस पर भी हम काम करते हैं। तो आज के संविधान की पाठशाला का विषय है आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी। भारत एक कल्याणकारी गणराज्य है। कल्याणकारी गणराज्य का अर्थ अगर हम समझेंगे और वो कहाँ से आया, अगर हम ये देखेंगे तो दूसरे महायुद्ध के बाद कल्याणकारी गणराज्य होने चाहिए, इसका जिक्र किया गया हमें देखता है। तो कल्याणकारी गणराज्य कैसे होते हैं अगर हम देखेंगे तो वो सामाजिक कल्याण, जिसे हम कहेंगे सोशल वेलफेयर एंड सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इन आधार पर कल्याणकारी गणराज्य होने चाहिए, ये हमें दिखाई देता है। तो उसके ही अनुसार हमारा भारतीय संविधान जो है वो बनाया गया, हमें दिखाई देता है। तो भारतीय संविधान जब बना तो बहुत सारे संविधान की अभ्यास किया गया और उसके अनुसार हमें दिखाई देता है कि भारतीय संविधान में एक अलग खासियत है। वो क्या अगर हम देखेंगे तो इसमें आर्थिक न्याय, ये उसका उल्लेख किया गया है। जो हमारा संविधान है वो आर्थिक प्रश्न पर भी ध्यान देगा और ये हमें दिखाई देता है। तो कल्याणकारी राज्य क्या है अगर हम देखेंगे और उसके जो मुख्य कार्य क्या होते हैं, तो प्रमुख एक पहला कार्य है कि नेशनल ग्रोथ, नेशनल राज्य की बढ़ोतरी होनी चाहिए और वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी बाय प्रोवाइडिंग फुल एम्प्लॉयमेंट, जो समुदाय का कल्याण होना चाहिए, किसके माध्यम से सभी को रोजगार उपलब्ध करके समाज का कल्याण होना करना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो समाज के घटक हैं सभी को समान अवसर उपलब्ध कर देना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए और न्यूनतम मान, मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सभी को प्रदान होनी चाहिए। ये मुख्य ढांचे हमें सोशल स्टेट्स के दिखाई देते, कल्याणकारी राज्य के, गणराज्य के ये प्रमुख घटक हमें दिखाई देते हैं। अगर हम लोग भारतीय संविधान की उद्देशिका देखेंगे, प्रीएम्बल देखेंगे, तो वहाँ पे हमें आर्थिक न्याय, इसका जिक्र किया गया दिखता है। मतलब हमें न्याय प्रदान होगा, कैसे, सामाजिक, आर्थिक और राजकीय न्याय प्रदान होगा, ऐसा संविधान हमें कहता है। इसे हमें ये दिखाई देता है कि आर्थिक प्रश्न भी बहुत जरूरी है। मतलब संविधान कहता है कि न्याय भी हमें आर्थिक तौर से मिलेगा, आर्थिक प्रश्न पर बहुत फोकस हमें दिखता है हमारे संविधान में किया गया हुआ है। अगर हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आकर देखेंगे, तो उसके अनुसार हमें दिखाई देते कि आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38, इसमें हमें जस्टिस, न्याय मिलेगा किस आधार पे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजकीय न्याय। आर्टिकल 39 जो कहता है कि हमें रोजगार संधि उपलब्ध की जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जो आर्थिक न्याय के प्रदान करने के लिए
संविधान कितना महत्वपूर्ण काम करता है ये हमें दिखाई देता है। बाबा साहब अगर देखते हैं हम लोग बाबा साहब क्या कहते हैं इस विषय पर, तो हमें दिखाई देते कि बाबा साहब कहते हैं कि आर्थिक प्रश्न ये सामाजिक प्रश्न की तरह ही महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक जस्टिस इज इक्वल एंड इम्पॉर्टेंट एज सोशल जस्टिस। तो हमें दिखाई देते कि बाबा साहब का भी, बाबा साहब ने इकोनॉमिक जस्टिस पे भी बहुत सारा कार्य किया है और संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स हमें दिखते हैं जो इकोनॉमिक जस्टिस को लेके ही बनाए गए हैं। और उसके अनुसार अगर हम देखेंगे कि आर्टिकल 46 क्या कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति जो कि और दुर्बल घटक है इनके शिक्षा और आर्थिक प्रश्नों के लिए विशेष कार्य करना जरूरी है और ये संविधान उसकी उसके उसके लिए कार्य करेगा। तो ये हमें दिखाई देता है कि संविधान हमें एक सभी जनजाति जनजाति और लोगों को तक जोड़ने के लिए एक मुख्य माध्यम है कि योजना, बहुत सारी योजनाएं हमें दिखाई देती है। तो योजना जो लोगों तक पहुंचती है, आर्थिक उन्नति होने के लिए जो योजना है वो बहुत सारे मुख्य काम करती है। तो हमें बजट जो है वो एक मुख्य माध्यम है जो लोगों तक पहुंचता है। हमें पता है कि दर साल बजट डिक्लेयर किया जाता है। तो बजट होता क्या है, उसमें बहुत सारे योजना रहता है, योजनाएं रहती हैं। और दलित आदिवासी यो के आर्थिक उन्नति होने के लिए हमें दिखाई देते हैं कि दो महत्वपूर्ण योजना है हमें दिखते हैं, जैसे सोशल शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट स्कीम जिसे हम, और ट्राइबल कंपोनेंट स्कीम। ये जो दो स्कीम है वो बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हम अनुसूचित जाति जमात जनजाति के समुदाय की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ये दो योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। ये योजना के माध्यम से हमें दिखाई, ये योजना में हमें बहुत सारे रूल्स हैं जिसके हमें दिखाई देते हैं कि जिसे अनुसूचित जाति जमातियों के आर्थिक परिस्थिति सुधारनी चाहिए और वो समाज घटक के साथ आने के लिए, मतलब इक्वालिटी, जो सोशल इक्वालिटी हम लोग कहते हैं, और सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो ये योजनाओं के माध्यम से जो पिछड़ा हुआ घटक है वो मेन स्ट्रीम में आएगा, मुख्य प्रवाह में आने के लिए ये योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। पर अगर हम देखेंगे इसमें एक मेन उद्देश्य है, ये घटनाओं का नियम रहते हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण नियम है कि जो बजट आवंटित होना चाहिए वो इन समुदाय के लोकसंख्या के अनुसार आवंटित होना चाहिए। पर अगर हम देखते हैं तो ये रूल्स हमें फॉलो किए गए नहीं दिखाई देते। तो अगर हम लोग इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं, और बहुत सारे नियम हैं कि जिनके ऊपर ये फंड्स एलोकेट होना चाहिए, फंड्स एलोकेट होने चाहिए, पर हमें दिखाई देता है कि बहुत सारे नियमों को मद्देनजर नहीं रखते हुए ये फंड्स एलोकेट होते हैं। और अगर हम देखेंगे कि दलित आदिवासी महिलाओं की स्थिति के लिए भी बहुत कम बजट हमें दिखाई देता है, जेंडर बजट की संकल्पना भी हमें दिखाई देती है, पर जेंडर बजट मतलब महिलाओं केंद्रित बजट होना चाहिए और उसके लिए स्पेशल फंड आवंटित होने चाहिए, ऐसा हमें दिखाई देता है। पर अगर हम लोग बजट्स देखते हैं तो उसमें हमें दिखाई देते कि जो जिस जिनके आधार पर महिलाओं की सक्षम हो सकते हैं, महिलाओं की आर्थिक परिस्थिति सुधार सकती है, वैसे योजनाएं हमें बजट में नहीं दिखाई देती। जो महिला केंद्रित अर्थसंकल्प है उसमें हमें दिखाई नहीं देती। तो आज भी बहुत सारे लोग हैं वो योजना है उनके ऊपर निर्भर करते हैं। अगर योजना के माध्यम से
और वो बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे हम लोग सामाजिक इक्वालिटी, जो समाज में समानता लाना, सोशल इक्वालिटी लाना, और उसका जो मेन माध्यम है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक प्रश्न लेके समाज में इक्वालिटी लाना। नहीं तो हमें दिखता है कि बहुत सारी इनइक्वालिटी बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, क्योंकि जो आर्थिक परिस्थिति है, बहुत सारी अनुसूचित जाति जमाति की आर्थिक परिस्थिति बहुत ही हालाकि की है। और अगर हम लोग देखेंगे कि समानता, समानता आने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल, सभी को समान अवसर देना जरूरी है, सभी को रोजगार देना जरूरी है। पर अगर हम रोजगार की बात करेंगे तो हमें दिखाई देता है कि जो रोजगार है वो पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा उपलब्धि है, जिसे दलित आदिवासी समुदाय एक्सेस कर पाए। सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत सारे रोजगार की संधि उपलब्ध रहती है, पर और अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में कितने अनुसूचित जाति जमाती के लोग, वो लोगों को ये प्राइवेट सेक्टर कितने लोगों को रोजगार देता है, ये तो हम सभी को पता है। अगर हम लोग कोरोना की परिस्थिति में देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए, पर जो हम देखेंगे कि वो रोजगार कहाँ से थे तो हमें दिखता है वो जो निजी जो संस्था थी वहां से रोजगार गए। तो ज्यादा से मतलब जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है, वो सिक्योरिटी कहता है, वो हमें प्रदान नहीं करती। हालांकि हमारी भारतीय इकोनॉमी ये है, भारतीय इकोनॉमी ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं वो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक और निजी संगठन क्षेत्र दोनों इम्पोर्टेंट है। पर आजकल हमें दिखाई क्या देता है कि ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक सेक्टर अभी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट किस पर ज्यादा पड़ेगा ये आप सभी को पता है। तो अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, हम लोग जिसे कहते हैं समान अवसर मिलने की संधि, वो बहुत, उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो और इक्वल अपॉर्चुनिटी गई तो फिर से वो आर्थिक प्रश्नों पर आ जाता है। तो मुझे लगता है हम लोग पहले फिर से मतलब नीचे पीछे पीछे जा रहे हैं, मतलब आर्थिक अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत जरूरी है जिससे हम लोग आर्थिक सक्षमीकरण हो सके। तो अगर हम लोग जो हमें नारे बहुत सारे रैलीज होते हैं, रिजर्वेशन लाने के लिए रैलीज होते हैं कि रिजर्वेशन चाहिए, ओबीसी रिजर्वेशन चाहिए, पर हमें प्राइवेटाइजेशन बंद हो इसके लिए नारे हमें बहुत दिखाई नहीं देते, बहुत कम है कि ऐसे कि प्राइवेटाइजेशन रोको, इस पर हमें नारे देने की आज बहुत ज़रूरत है, जिससे हमें लगता है कि जो समाज में इक्वालिटी आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अगर हम लोग सामाजिक प्रश्न, आर्थिक प्रश्नों को जोड़ें और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करें तो हमारे जो संविधान की, तो हम हमारे समुदाय ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ेगा और मुख्य प्रवाह में आ सकते हैं। सामाजिक प्रश्न और आर्थिक प्रश्न ये इक्वली हम लोग जब देखेंगे तो ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कार्य कर सकते हैं। अगर हम लोग आर्थिक समानता लाना चाहते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो संस्था एकजुट होकर काम करें और संविधानिक तरीका, संविधान समझ के, आर्थिक प्रश्न क्या है वो समझ के हम लोग काम करेंगे
हमें लगता है कि तभी एक मेन स्ट्रीम में सभी जाति जनजाति को लाना हो सकता है। जय भीम, थैंक यू।